नवादा सदर अस्पताल में नव निर्मित सूचना प्रौद्योगिकी भवन में बना डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल का जिला पदाधिकारी यशपाल मीना ने फीता काट कर आज उद्घाटन किया। इस अस्पताल में कोरोना से संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए सारी चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था की गई। वेंटिलेटर, गैस सिलेंडर, दवाइयाँ, डॉक्टर और नर्स सहित सारे कर्मचारी यहाँ 24 घंटे काम करने के लिए रहेंगे। 100 से अधिक बेड की व्यवस्था की गई और साफ सफाई, भोजन आदि के साथ साथ रोगियों के मनोरंजन के लिए अच्छा वातावरण भी की भी व्यवस्था की जाएगी। नवादा से सनोज कुमार संगम की विशेष रिपोर्ट। जी बता, आज हम लोगों ने नवादा जिला के अंदर जो ब्लॉक में है, हम लोगों ने VCHC का आज शुरुआत किया है और इसमें ये पूरी सुविधाओं से लैस है। ये VCHC जिसमें कि पर्याप्त बेड की व्यवस्था है, हम लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था यहाँ पर की है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की यहाँ पर व्यवस्था है। और मैं आप सभी के माध्यम से बता देना चाहूँगी कि पूरे जिला भर में हमारे PHCs वगैरह पर भी हम लोगों का जो कोविड संबंधित जितना प्रोटोकॉल रहता है उसको फॉलो करते हुए हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने जो मॉडरेट केसेस थे उनको भी हम लोगों ने ठीक करके और बेहतर करके स्टेबल करके हम लोगों ने उनको रिलीव भी किया है PHC लेवल पर। इस DCHC में सारी व्यवस्था रहेगी, बेड की व्यवस्था रहेगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था रहेगी, सारी जो पर्याप्त जो ड्रग्स वगैरह हैं, जो दवाइयाँ वगैरह उनकी पर्याप्त हम लोगों के यहाँ पर व्यवस्था है। और आने वाले समय में जैसे जैसे हम लोगों के जिला में अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम लोग इसको, ये जो सुविधा आज हम लोगों ने जिसका शुरुआत किया है, इसको हम लोग उपयोग करेंगे और मुझे आशा है कि इसका हम लोग भरपूर उपयोग उठाएंगे। और नवादा जिला के जितने भी डॉक्टर्स हैं और जितने भी हम लोगों के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनका बहुत ही बेहतरीन सहयोग रहा है अभी तक और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हम लोग ये जो कोविड की पैंडेमिक है इसमें हम एकजुट होकर एक साथ मिलकर हम लोग इसको जो सेकेंड वेव है इसको पार करें।